अर्बन क्रूजर का अगर आप लोग कभी भी घूमने फिरने जाते हो, अगर मान लो जैसे कि तीन बंदे जा रहे हो गाड़ी के अंदर या चार बंदे भी जा रहे हो ना, तो आपको अगर आप चाहो कि कंफर्टेबली थोड़ा सा बैठना है या फिर आपको थोड़ी देर कंफर्टेबली लेटना है या फिर पीछे की तरफ सोना है, जैसे कि मान लो चार बंदे, चार में से दो एक टाइम पे ड्राइव कर रहे हैं, दो एक टाइम पे ड्राइव कर रहे हैं, तो बचे हुए जो दो बंदे हैं ना वो अच्छे से रेस्ट कर सकते हैं, अच्छे से मतलब अपना सोना हो तो सो सकते हैं, अगर आपको फुल नाइट ड्राइव करना हो या फिर कई ज्यादा खूब सारे किलोमीटर्स। उसके लिए देखो आपको कुछ नहीं करना है, ना तो होटल लेना है, ना अलग से कोई पैसे खर्च करने हैं। ये वाला फीचर आप लोगों को टोयोटा अर्बन क्रूजर बेस वेरिएंट में भी मिल जाता है, जो एक सबसे मुझे लगता है बढ़िया चीज है। तो ये वाला पीछे का भाई हम डोर खोलेंगे और यहाँ पे हमें भाई आप करके दिखाएंगे, मैं करके दिखा देता हूँ। भाई देखो आपको अपनी गाड़ी जो है पीछे से ना इसको सोफा बनाने के लिए क्या करना है, आप एक बार वो टेलगेट खोल लो, आप वहां से अच्छे से दिखा पाओगे। अर्बन क्रूजर की पिछवाड़ा खुल गया। देखो सबसे पहले भाई अपने हेडरेस्ट निकाल लेते हैं, निकालो गुरु हेडरेस्ट। हेडरेस्ट निकाल के भाई आगे रख देते हैं। तो सबसे पहला काम है हेडरेस्ट निकालने पीछे की सीट के, देन ये जो नीचे वाली सीट है उसको ऐसे ऐसे ऊपर करना है। एक मिनट, एक चीज बता देता हूँ, अगर आपका जैसे अपर वेरिएंट होगा ना तो उसमें 60-40 के रेशियो में स्प्लिट होने वाली सीट्स आती हैं, तो उसमें यहाँ पे ना एक आपको एक मतलब कह सकते हो कि एक इस तरीके की ना रस्सी सी मिलेगी, जिसे ऐसे करके खींचोगे ना तो फिर आधी सीट अलग और आधी सीट अलग फोल्ड होगी। तो इसको ऐसे ऊपर करेंगे और ऐसे करके आप इसे नीचे कर दोगे, प्रॉपर पूरी नीचे रखो, इवन मैट में फंस रही है, ये आ गई पूरी नीचे। तो पीछे की सीट नीचे आ गई, अब इस वाली सीट को नीचे करना है। एक बार भाई पार्शियल ट्रे भी निकाल देता हूँ मैं आप लोगों को बिल्कुल अच्छे तरीके से दिखाने के लिए। तो इसको अपने ब्लाइंड्स को साइड में रखते हैं, कर्टन्स को। ये भाई हमने पार्शियल ट्रे भी निकाल दिया, सारी गाड़ी को हमने उजाड़ के फेंक दिया एक मिनट के अंदर अंदर। तो अब देखो भाई मेरे सामने दो बंदे हैं। भाई हाइट कितनी है तुम्हारी? 6 feet। 6 feet तुम्हारी? 5.6। कंफ्यूज है आदमी। तो ये सामान थोड़ा साइड में करते हैं। तो आप दोनों भाई मुझे एक बार यहाँ पे लेट के दिखाओ, जैसे कि दो बंदे आके मान लो गाड़ी चला रहे हैं, तो दो बंदे यहाँ पे कैसे लेट सकते हैं, किस तरीके से? हैं? अरे यार तेरे अलावा कोई और भी तो हो सकता है। एक कहता है मेरे को तो आती नहीं है, क्या रख रखा तुमने? ओए वो सही है बब्जी, मेरे लिए तो बढ़िया है, कंफर्टेबल है, चीज कंफर्टेबल है। थप्पड़ मारो कान पे खेस के, आते समय बताएं। वैसे कंफर्टेबल है ना एकदम, घर पहुंचने वाले थे तो पैर दस रिलैक्स हो जाएगा, मतलब तुम्हारी तो चलो थोड़ी सी हाइट ज्यादा, अगर तुम थोड़ा पीछे होके बैठोगे तो लेटोगे तो अच्छे से लेट पाओगे। इसकी तो एक बार रुकना, मैं डिग्गी बंद करता हूं। टांगे बचाओ, टांगे बचाओ। देखो भाई अगर डिग्गी बंद कर देंगे तो क्या हिसाब किताब रहेगा? ओमनी कैंपिंग। वैसे सही है भाई, ये गाड़ी का ये फीचर है ना, यहाँ पे नीचे एक गद्दा बिछा लो और दो पिलो लगा लो। पहले इसी बात पे खम क्या कह रहा है? हाँ ये भी कर सकते हैं, पर इसमें देखो एक बार भाई मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ। जैसे हमने दो बंदों को लिटा दिया है ना, तो आगे की सीट जो है वो एक बार आपको स्पेस दिखा देता हूँ वहाँ कितना बचेगा। फिलहाल तो देखो हमने भाई इसे सोफा बनाने के लिए सीटें पूरी पूरी आगे कर दी थी, बट हम इस सीट को थोड़ा सा देखो इसका जो रिक्लाइन एंगल है वो आगे करेंगे ना, तो थोड़ी सी नहीं काफी पीछे हो गई यार ये तो। क्या हो गया? बाल फंस गए। क्या मारा तूने? कोई बात नहीं, एक बार लेट जाओ, लेटो आगे करूंगा, लेट तो सही। कहाँ लेटूं? ये देखो भाई ये लेट गया है। अब अगर आगे जैसे कि मैं बैठा हूँ, मेरे को गाड़ी चलानी है, तो मैं कंफर्टेबली भाई देखो चला भी सकता हूँ और पीछे दो लोगों को यहाँ पे ऐसे इस तरीके से मैं सुला भी सकता हूँ। एक छोटा बच्चा हो तो वो भी इजीली आराम से यहाँ बीच में। हाँ यहाँ पे छोटे बच्चे को भी लिटा सकते हैं। क्या अपना नित्तू आ पाएगा? नित्तू भाई वो आ जाएगा, लेकिन थोड़ा बेबलेट बन के आएगा। उसकी जो जटा है ना, जटा है आज पर वो नहीं आ पाएगा भाई। एक थंबनेल वैसे एक बताता हूँ, पतले पतले तीन बंदे आ सकते हैं, जैसे मैं पबजी और एक और हो ना पतला सा, तो हम तीन बंदे आ जाएंगे। तो एक मिनट रुको, मैं एक थंबनेल ले लूँ, है ना। तो भाई देखो ओवरऑल इन दोनों बंदों को ऐसे लिटा दिया है। अब आपको गाड़ी अपनी पहले जैसी करनी है, तो वो उसके लिए क्या करना होगा एक बार वो भी करके दिखाते थे। निकलो बाहर, इस पोजीशन में लाना भी नहीं है तुम्हें वापस। गाड़ी का एक यही घाट है, पीछे एसी नहीं है। हाँ पीछे, पर यार यहाँ पे अगर पीछे एसी होता भी ना तो वो नीचे दब जाता ना, जब तुम सोफा बनाते इसका तो प्रॉपर नीचे की साइड दब जाता। रुक जा। पहले पार्सल ट्रे रख देता हूँ, ये फिर से बाद में रखेंगे। चलो पहले पीछे का दिखाते क्या सीन है। तो भाई देखो सबसे पहले वाली सीट बंद करेंगे जैसे खोली थी, एक मारेंगे हम मुक्का, लग गया लॉक अभी लगा। एक सेकंड सीट बेल्ट हटाओ, ये रहा लॉक, सीट बेल्ट ऊपर करो, वो रहे लॉक के छिद्दे, एक मिनट ये बंद नॉइज लॉक। सबसे पहले वीडियो बनाओ तुम अब ये वाली,
इसमें भाई एक चीज और है जो यहाँ पे बेल्ट से नहीं रहती, अगर वो चुभे किसी को, अगर बेल्ट वगैरह किसी को चुभे तो डायरेक्टली खुद ही अंदर कर सकते, ये भी चीज है, बाकी निकालने को निकाल भी सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हेडरेस्ट और लगा दो भाई, अपना वाला ले लो। किस नाम, किस बंदा, किस नाम का मालिक हूँ मैं? तो भाई देखो अभी आपकी वॉविस बैक टू, मतलब बैक टू नॉर्मल हो चुकी है, आप पार्शियल ट्रे और लगा देते हैं। पार्शियल ट्रे भी बढ़िया है इसकी, आधी आधी हो जाती है। पार्शियल ट्रे में भी है ये वाला फीचर। तो भाई देखो इसकी पार्सल ट्रे में ये है कि आप इतनी भी खोल सकते हो, और अगर अंदर से गाड़ी चला रहे हो ना तो इधर से इसको इतनी खोल के कुछ भी सामान उठाना हो तो उठा सकते हो। ये स्पेशली बेस वेरिएंट के लिए वाला फीचर ज़्यादा काम का है, और अगर कोई ऊपर का वेरिएंट लेते हो तो फिर उसमें तो 60-40 के रेशियो वाली सीट्स आपको मिल ही जाती है ना। तो इसको कर देते हैं भाई क्लोज। तो बाकी भाई ये वाला देखो इसका फीचर कैसा लगा, कैसा नहीं लगा कमेंट डाउन करके बता सकते हो। मुझे बढ़िया लगा था तो मैंने कहा डेफिनेटली एक बार आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो इस फीचर को डेफिनेटली इन फ्यूचर अगर कभी लॉन्ग ट्रिप पे जाते हैं इस वाली गाड़ी से तो यूज करेंगे, है ना। घर से बिल्कुल प्रॉपर गद्दा तकिया वकिया सब लेके जाएंगे और इसमें ही सोएंगे, होटल के पैसे बचाएंगे मोटे। चार पाई। तो चलो भाई फिर ठीक है, इस वीडियो में रखता हूं, मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ प्रीत।